हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बुलबुल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं आसिम रियाज की एक अपडेट। जी हां, हिमांशु और आसिम की अपडेट नहीं है, सिर्फ आसिम रियाज की अपडेट है, वो भी उनके फैमिली की तरफ से है। जी हां, जहां पे हम सब जानते हैं आसिम रियाज बहुत ज्यादा फेमस हुए थे बिग बॉस 13 से, वहीं पे जब एक बिग बॉस 13 से कोई फेमस होता है तो ऑफकोर्स उसकी फैमिली भी बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। तो जी हां, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ आसिम रियाज के पापा रियाज जी की। जी हाँ, उन्होंने मतलब खुले दिल से सलमान खान को थैंक्स कहा है, पर वो किस चीज को लेके उन्हें थैंक्स कहे हैं, क्या वो आसिम रियाज को लेके उन्होंने थैंक्स कहा है या तो कोई और वजह है जिसकी वजह से उन्होंने जमकर ट्विटर पे सलमान खान की तारीफ की है, तो चलिए आप लोग को बताती हूँ कि आखिरकार क्या ऐसी वजह है जिसके लिए आसिम रियाज के पापा ने स्पेशली सलमान खान को थैंक्स कहा है ट्विटर के जरिए, ट्वीट करके। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लगाते और आप लोग को फटाफट बता देती हूँ कि आखिरकार चीज क्या है। जहाँ पे हम सब जानते हैं लॉकडाउन के चलते बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं या जिन्हें नीड्स है खाने की, वहां तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, ये हम सब जानते हैं। और वहां पे चाहे आम जनता हो, चाहे सेलिब्रिटीज हो, जिनसे जितना भी हो पा रहा है वो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर रहे हैं। वही सलमान खान की अगर मैं बात करूं, जहां पे उनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जहां पे जैकलीन थी, उनकी पूरी फैमिली थी, खाना टेम्पो में वो लगेज कर रहे थे एक दूसरे को पास कर करके, उसपे काफी सारी खबर भी ऐसी आई थी कि वहां पे किसी ने मास्क नहीं पहना था, डिस्टेंस कहीं ना कहीं वो मेंटेन नहीं कर रहे थे। पर वेल, उस वीडियो पे तो मैं स्पेशली इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, पर उस वीडियो के बाद जब से वो वीडियो वायरल हुआ है काफी लोगों ने बहुत सारी तारीफ की है सलमान खान की। वही सलमान खान ने एक हैशटैग बहुत लगाया है कि बिंग हंग्री, मतलब जहां पे वो जो भी भूखे लोग हैं या जिनको जो जरूरतमंद है उन तक वो खाना पहुंचाते हैं, जिस चीज को आसिम रियाज के फादर रियाज जी ने एक ट्वीट करके उनको थैंक्स कहा है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ऐसी बहुत सारी मुहिम चलाई है, पर अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन तक वो खाना नहीं पहुंच पा रहा है, और मैं सलमान की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने जो ये चीज एक मुहिम छेड़ी है कि बिंग हंग्री, वो उस तक बहुत सारे लोगों तक खाना पहुंच पा रहा है, और इस चीज के लिए उन्होंने उनको थैंक्स कहा है कि जरूरतमंद के लिए खाना पहुंचाना ही सबसे बड़ी इबादत होती है। उन्होंने इस ट्वीट को करके उन्होंने सलमान को थैंक्स कहा है और उनकी जमकर तारीफ की है। पर वेल, जैसे भी हो, मैं भी इस चीज को जरूर कहूंगी कि आप प्लीज जितनी हेल्प आप लोगों से भी हो सके, आप लोग घर से बाहर तो नहीं निकल सकते, पर अगर आपको मौका मिलता है या आप किसी के जरिए किसी की हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज जाइए और उनकी हेल्प कीजिए। उसी के साथ सलमान खान ने जो ये चलाया है बिंग हंग्री, उस जो कैंपेन की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग उस चीज से जुड़ चुके हैं, स्पेशली सलमान के जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं वो जुड़ चुके हैं। लोग जिस तरह से भी हेल्प हो पा रही है, यहाँ तक सलमान की इस बिंग हंगरी की भी सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में उनसे भी जितना हो पा रहा है वो कर रहे हैं। पर इस ट्वीट के जरिए आसिम रियाज के फादर ने कहीं ना कहीं इस बात को जरूर कहा है कि वो सलमान के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने सलमान ने जिस तरह आसिम रियाज को सपोर्ट किया था या जिस तरह वो आम जनता को सपोर्ट कर रहे हैं वो उनकी तारीफ करते हैं। तो वेल, आसिम रियाज के ये पापा का स्वीट मैसेज आई थिंक मुझे इसलिए आप लोगों को पहुंचाना था क्योंकि आसिम रियाज के फादर हैं और उन्होंने बहुत एक स्वीट मैसेज दिया था सलमान खान को लेकर। तो वेल, हम तो यही चाहेंगे कि जितने भी भूखे लोग हैं उनका पेट ऐसे ही भरते रहे। और आप लोगों को वेल, मैं तो ये जरूर जानना चाहूंगी आप लोगों को मेरी ये अपडेट कैसी लगी, ये प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप किसी की मदद कर रहे हैं प्लीज ये भी मुझे जरूर मेंशन कीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए प्लीज इसी तरह बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।